क्या आपको अपने स्मार्टफोन की SOS सर्विस के बारे में पता है? अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। इस वीडियो पर मैं आप सभी को SOS सर्विस के बारे में बताने वाली हूँ, इसको कैसे एक्टिव करना है ये भी मैं बताने वाली हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सेटिंग है जो हर एक यूज़र को, हर एक स्मार्टफोन यूज़र को ये सेटिंग्स एक्टिव करके रखना चाहिए। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी आप फॉलो कर ले, वहाँ पर भी मैं ऐसे टेक्स रिलेटेड छोटा मोटा ट्रिक्स एंड टिप्स बताते रहते हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो स्मार्टफोन की SOS सर्विस, चाहे आप लड़के हो या फिर लड़की हो, हर एक स्मार्टफोन यूज़र को इन सर्विस को इनेबल करके या फिर एक्टिव करके रखना चाहिए। SOS सर्विस किस काम में आते हैं, सबसे पहले आप ये जान लो। अगर आपके साथ कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है या फिर आप ऐसे कंडीशन में हो जहां पर आप किसी को कॉल नहीं कर सकते, आप किसी को मैसेज नहीं कर सकते, आप आपकी प्रॉब्लम को नहीं बता सकते उनको कॉल या फिर मैसेज करके, उस टाइम पर काम आता है ये SOS सर्विस। SOS सर्विस में क्या होता है, यहाँ पर 3 से 4 ट्रस्टेड कॉन्टेक्ट को आप ऐड करके रख सकते हैं। इसमें क्या होगा, जब आपके साथ ऐसा कुछ कंडीशन क्रिएट हो जाएगा जहां पर आप किसी को कॉल नहीं कर सकते, किसी को मैसेज नहीं कर सकते, तो उस टाइम पर आप अपने स्मार्टफोन के जो पावर बटन होता है उसको 3 या फिर 4 टाइम अगर एक साथ प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपने जिस कॉन्टेक्ट को यहां पर ट्रस्टेड कॉन्टेक्ट को ऐड करके रखा है उन सारे कॉन्टेक्ट के पास एक मैसेज चला जाएगा आपका लाइव लोकेशन की। इसके लिए आपको लोकेशन सर्विस को भी ऑन करके रखना पड़ेगा। ओके, तो जब ये जब मैसेज जब उन सारे कॉन्टेक्ट पर चला जाएगा तो वो लोग ऐसे हो सकते हैं कि वो लोग समझ जाएगा कि आप कुछ प्रॉब्लम में है, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो वो लोग क्या करेगा, आपको रिकवरी कर सकते हैं, वो लोग आपकी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, वो लोग आपके लोकेशन के बारे में जान जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो हर एक स्मार्टफोन पर दिया हुआ रहता है बट कोई भी इसको एक्टिव नहीं करता है। इस वीडियो पर मैं आप सभी को पूरा प्रोसेस बताऊंगी एक्टिव करने का, और इस वीडियो देखने के बाद आप इस सर्विस को ज़रूर एक्टिव कर लें। ओके, चलिए मैं आप सभी को अपने मोबाइल पर दिखाती हूँ ये सर्विस आपको कैसे एक्टिव करना है। तो SOS सर्विस को अपने स्मार्टफोन पर एक्टिव करने के लिए आप सबसे पहले अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स को ओपन करें। ओपन करने के बाद आप यहां पर सर्च करें सिर्फ SOS। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, तो आप सबसे पहले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद क्या है, आपको यहां पर ऑफ लिखा होगा तो आप सबसे पहले इसको ऑन कर लें। ऑन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएगा जहां पर आपको जो नंबर ऐड करना पड़ेगा, तो आप सिर्फ ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करें और आप अपने या जो सिलेक्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट को यहां पर ऐड कर लें। मैं यहां पर एक कॉन्टैक्ट को यहां पर ऐड कर लेती हूँ, तो मैंने यहां पर एक कॉन्टैक्ट को यहां पर ऐड कर लिया है। अभी क्या है, मेरे पर एक कॉन्टैक्ट यहां पर ऐड हो चुका है। मैं अभी अपनी होम बटन को प्रेस कर लेती हूँ और इसके बाद मैं अपनी स्क्रीन को लॉक कर लेती हूँ। लॉक करने के बाद जो है मैं अपनी स्क्रीन का जो पावर बटन है इसको मैं 3 बार प्रेस करूंगी। इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने जिस नंबर को यहाँ पर सिलेक्ट किया था उस नंबर पर एक मैसेज आ चुका है, और नंबर की मैसेज को भी मैं आप सभी को ओपन करके दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर जो मैसेज आया है आई नीड हेल्प। इसके बाद मेरे यहाँ पर गूगल मैप्स का जो है लोकेशन भी आ चुका है जहाँ से क्लिक करके आप लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर लोकेशन पूरा आ चुका है मेरा कि मेरा जो डिवाइस है अभी कहाँ पर है। तो ये सेटिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इस सेटिंग्स को इनेबल करना ही चाहिए अपने डिवाइस पर। सो आई होप आप सभी को अभी अपने स्मार्टफोन की SOS सर्विस के बारे में पता चल गया है, और आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद पूरा प्रोसेस फॉलो करें, अपने डिवाइस पर भी SOS सर्विस को एक्टिव कर ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करें, टेक्निकल जदेव चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलती हूँ मैं आप सभी से किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।